100 एग्रीकल्चर क्वेश्चन इन वन वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविशर यूट्यूब पर। दोस्तों, मैं आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये 100 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये 100 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? तो आंसर इसका लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है एग्रीकल्चर वर्ड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वर्ड की, अगर हम एग्रीकल्चर वर्ड को 2 वर्ड में स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है एग्री प्लस कल्चर। फ्रेंड्स, एग्री का मतलब होता है सॉइल और जो कल्चर होता है इसका मतलब होता है कल्टिवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, एग्रीकल्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं? आंसर इसका एग्रीकल्चरल साइंस बोलते हैं एग्रीकल्चर की स्टडी को। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, किन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड माना जाता है? तो आंसर इसका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईबी में पूछा गया है, पंजाब पटवारी में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। मतलब फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है जो हर कंपिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, Who is regarded as father of green revolution in India? किन्हें father of green revolution in India कहा जाता है? तो आंसर इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को father of green revolution in India, मतलब हरित क्रांति का पिता कहा जाता है भारत में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? आंसर इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। जब मैं 15th क्वेश्चन में पहुंचूंगा तो मैं आपको सरप्राइज दूंगा। ये सरप्राइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। व्हेन फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में जो पहली बार हरित क्रांति है वो कब स्टार्ट हुआ था? आंसर है 1966-67 में जो फर्स्ट टाइम है ग्रीन रेवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, किन्हें फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है? आंसर इसका सैम पिट्रोडा को फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डेट वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व, किस दिन वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है? आंसर इसका 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, किन्हें फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन माना जाता है? आंसर इसका दुर्गेश पटेल को फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन माना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया और सीडीएस में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड इज कॉइंड बाय होम। फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया है? तो आंसर इसका विलियम एस गाउड जो है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडिया, फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका हीरलाल चौधरी को फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडिया माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंपिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फ्लावर की जो खेती होती है मतलब फूलों की जो खेती होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका फ्लोरिकल्चर। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, जो मलबेरी कल्टीवेशन होता है जिसमें कि हम सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं उसे, उसके साइंस को क्या बोलते हैं? आंसर इसका मॉरिकल्चर। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो विद राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्रेंड्स, मैंगो की खेती मतलब आम की खेती चावल के साथ क्या कहलाती है? आंसर इसका एग्रोफॉरेस्ट्री। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द गैस विच इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। फ्रेंड, जो धान की जो खेत होते हैं उसमें से जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस होती है? आंसर इसका मिथेन गैस होती है। और जो मिथेन गैस होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा एग्रीकल्चर के, बट फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में 100 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको इस वीडियो में 125 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा एग्रीकल्चर के। और फ्रेंड्स, अगर जब आपके 125 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मैं यही
भी 125 क्वेश्चन रिवाइज भी करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में दो क्वेश्चन का टेस्ट है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन है वो क्या कहलाता है? तो आंसर इसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज नोन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका सैम पिट्रोडा को फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, किन्हें ब्लू रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है? आंसर इसका अरुण कृष्णन को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन किन्हें माना जाता है? आंसर इसका दुर्गेश पटेल को फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, किन्हें सिल्वर रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है? आंसर इसका इंदिरा गांधी को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सिविकल्चर, सिविकल्चर क्या होता है? आंसर इसका आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री की जो कल्टीवेशन होती है उसे हम सिविकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है? आंसर इसका प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से जो हम रॉ सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं उसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, फ्रेंड्स जो मिट्टी की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, किस टाइप के एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं? आंसर इसका झूम कल्टीवेशन, जो झूम कल्टीवेशन होता है फ्रेंड्स उसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वाज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, इंडिया में पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? आंसर इसका पंतनगर में एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पंतनगर की, फ्रेंड्स पंतनगर जो है वो उत्तराखंड राज्य में है, यहाँ पे लिख देता हूँ उत्तराखंड राज्य में है पंतनगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, गोल्डन राइस वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम डेवलप विच रिच चेन, फ्रेंड जो गोल्डन राइस वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो आंसर इसका विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस वैरायटी में है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, हु रोट द बुक म्यूटेशन रिसर्च, फ्रेंड जो बुक है म्यूटेशन रिसर्च वो किसने लिखा है? आंसर इसका मुलर ने लिखा है फेमस बुक म्यूटेशन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच स्टेट इज कॉल्ड ग्रीनरी ऑफ इंडिया और इंडियाज ब्रेड बास्केट, पर कौन सा स्टेट है राज्य इंडिया का जो कि जिसे हम ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहते हैं या इंडिया का ब्रेड बास्केट कहते हैं? तो आंसर इसका पंजाब राज्य जो है उसको हम ग्रीनरी ऑफ इंडिया या बोलो इंडियाज ब्रेड बास्केट कहते हैं। अपन जो पंजाब राज्य है इसकी राजधानी है चंडीगढ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो आंसर इसका फिश की प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? तो आंसर इसका भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वह कौन सा टाइप एग्रीकल्चर का जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं? आंसर इसका झूम कल्टीवेशन, जो झूम कल्टीवेशन है उसे हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, जो राउंड रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो आंसर इसका पोटैटो की प्रोडक्शन से रिलेटेड है राउंड रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द टेक्निक दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर कंजप्शन इन क्रॉप कल्टीवेशन, फ्रेंड्स क्रॉप कल्टीवेशन में जो हम पानी की जो खपत होती है उसको कम करने के लिए उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं या आप बोलो माइक्रो इरिगेशन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, एनजी रंगा अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, जो एनजी रंगा अवार्ड है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? आंसर इसका एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है एनजी रंगा अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज सिविकल्चर, सिविकल्चर क्या होता है? आंसर इसका ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज या बोलो फॉरेस्ट डेवलपमेंट, जो फॉरेस्ट की डेवलपमेंट होती है और जो कल्टीवेशन मतलब पेड़ों की जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं सिविकल्चर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? आंसर इसका मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है व्हाइट रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37, साइंस रिलेटेड विद वेजिटेबल कल्चर इज कॉल्ड, फ्रेंड्स जो वेजिटेबल की जो मतलब सब्जियों की जो खेती होती है उसके पीछे जो साइंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका ओलेरिकल्चर,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आंसर इसका फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड है ग्रे रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज रिलेटेड टू सिल्क, वह कौन सा ब्रांच है एग्रीकल्चर का जो कि सिल्क की पैदावार से रिलेटेड है। तो आंसर इसका सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वह कौन सा टाइप है एग्रीकल्चर का जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। आंसर इसका झूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती के लिए वह कौन सा टाइप का सॉइल है जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आंसर इसका ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। अपन जो काली मिट्टी होता है उसको हम रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं, व्हाट इज द अदर फेमस नेम ऑफ जूट, जो जूट होता है उसका दूसरा फेमस नाम क्या है। आंसर इसका गोल्डन फाइबर। जो गोल्डन फाइबर वो हम जूट को भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किन्हें कहा जाता है। तो आंसर इसका युआन लॉन्ग पिंग को फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, जल लहरी इज अ वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप, जो जल लहरी है वो कौन से क्रॉप की वैरायटी है। आंसर इसका पैडी। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, किन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। तो आंसर इसका वर्गीस कुरियन, जो वर्गीस कुरियन है इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन, वह कौन सा क्रॉप है जो कि उसको वाटर को रुका हुआ चाहिए ताकि तभी उसकी प्रोडक्शन होगी। तो आंसर इसका राइस, जो राइस है उसके लिए वाटर लॉगिंग चाहिए अगर उसकी खेती करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, जो येलो रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आंसर है इसका ऑयल सीड। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI इज लोकेटेड, जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है। आंसर है इसका कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, हु हैज फर्स्ट टाइम सीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले किसने देखा था। आंसर इसका लुईस पाश्चर ने देखा था फर्स्ट, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा टी के प्रोडक्शन करता है वो कौन सा देश है। तो आंसर इसका हमारा देश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइपलाइंस एंड ट्यूबवेल्स टू फार्म्स इज कॉल्ड, फ्रेंड्स फार्म्स में जो हम पाइपलाइन से और ट्यूबवेल से जो पानी सप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं। आंसर इसका इरिगेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं, विच इज द थर्ड क्रॉप सीजन इन इंडिया एक्सेप्ट राबी एंड खरीफ, राबी और खरीफ को छोड़ के जो तीसरा जो क्रॉप सीजन होता है इंडिया में वो कौन सा है। तो आंसर इसका जाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड जो जाइड होता है फ्रेंड इसमें हम जो तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, कुकुम्बर हो गए उसकी प्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन 53 कर लेते हैं, प्रभात एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, है जो प्रभात है एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है किस क्रॉप का। तो आंसर है इसका रेड ग्राम, मतलब लाल चने जो होते हैं। क्वेश्चन 54 कर लेते हैं, साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड, जो मलबेरी कल्टीवेशन होता है सिल्क की प्रोडक्शन के लिए उसे हम क्या बोलते हैं। आंसर इसका मौरी कल्चर। क्वेश्चन 55 कर लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APMC, APMC का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर इसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 56, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आंसर इसका कॉटन की प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया किन्हें कहा जाता है। तो आंसर इसका वर्गीस कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं, विच सीरियल इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल, कौन सा सीरियल है जिसे कि क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका मेज। क्वेश्चन नंबर 59, विच कंट्री इज फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन, दुनिया का वह कौन सा पहला देश है जो कि वीट प्रोडक्शन में सबसे आगे है। तो आंसर इसका USA। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मॉइस्चर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो आंसर इसका टेंसियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, वेयर इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, इंडियन शुगर केन रिसर्च जो है वो कहां पर है। तो आंसर इसका लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आंसर इसका 46% जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है यूरिया में। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं, विच गैस इज यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाने के लिए किस गैस का यूज होता है। तो आंसर इसका इथाइलिन गैस का यूज होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, और जिसको फ्रेंड्स हम कैल्शियम कार्बाइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन 64 कर लेते हैं, रत्ना इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, जो रत्ना है वो किस क्रॉप की वैरायटी है। तो आंसर इसका राइस की वैरायटी है रत्ना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 125 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं एग्रीकल्चर के। जब आपके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज
करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? आंसर है इसका ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन। फ्रेंड्स किसी भी क्रॉप को मतलब किसी भी डिफरेंट क्रॉप को एक ही एरिया में मतलब हमें कल्टिवेट करना और डिफरेंट सीजन में, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विद प्रोडक्शन ऑफ। जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो आंसर इसका एग की प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्वर रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, विच क्रॉप ग्रोन मेनली इन माउंटेन स्लो। फ्रेंड्स पहाड़ों पर जो क्रॉप ग्रोन होता है उसको कौन सा होता है? तो आंसर इसका टी। इंपॉर्टेंट ये भी। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं, नेम द क्रॉप विच इज आल्सो कॉल्ड एज वंडर क्रॉप। है कौन सा क्रॉप है जिसे कि हम वंडर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं? आंसर इसका सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, इंदिरा गांधी केनाल इज रिलेटेड विद विच टू स्टेट। इंदिरा गांधी जो केनाल है जो कि इंडिया का सबसे लंबा केनाल है वो कौन से दो राज्यों से जुड़ा है? तो आंसर इसका पंजाब और राजस्थान से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड की फैमिली को क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका क्रूसीफेरा या बोलो ब्राशिसा। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं, वेयर इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? आंसर इसका जोधपुर में है। जोधपुर जो है वो राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, हु गिवन द टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स। जो हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म है वो किसने दिया था? आंसर इसका डोनाल्ड ने दिया था हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म। क्वेश्चन 73, विच स्टेट इज लीडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर मूंगफली की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है? आंसर इसका गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, विच कंट्री इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। वह कौन सा देश है दुनिया का जहां पे जो पोटैटो है सबसे पहले पैदा हुए थे? आंसर इसका पेरू। और जो पेरू है ये साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? आंसर इसका क्रेस्को ग्राफ। जो क्रेस्कोग्राफ है फ्रेंड्स ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम प्लांट की जो ग्रोथ है उसको मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। जो येलो रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? आंसर इसका ऑयल सीड की प्रोडक्शन से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ। जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो किसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? आंसर इसका फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन। फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ग्रे रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका अरुण कृष्णन को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। वह कौन से टाइप का सॉइल है जो कि कॉटन की कल्टिवेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है? आंसर इसका ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, इन इंडिया After how many years agriculture census conducted? भारत में कितने सालों के बाद agriculture census conduct किया जाता है? आंसर इसका 5 years. Question number 81, which type of soil is rich in organic matter? वह कौन से टाइप का soil है जिसमें कि organic matter का content सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर इसका paddy soil. Question number 82 कर लेते हैं, which branch of agriculture is related with silk? Agriculture का वह कौन सा branch है जो कि silk से related है? आंसर इसका sericulture. Question number 83, if soil having pH 6.0 then its nature is। फ्रेंड्स अगर सॉइल का जो pH है वो अगर 6.0 है तो उसका नेचर कैसा होगा? तो आंसर इसका एसिडिक नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर राइस की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है? तो आंसर इसका वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का जो मेन बेनिफिट होता है वो क्या होता है? तो आंसर इसका एलिमिनेट पैरासाइट्स विच हैव सेलेक्टिव होस्ट। क्वेश्चन नंबर 86, विच टाइप ऑफ राइस इज आल्सो नोन एज एनरिच्ड राइस। वह कौन से टाइप का राइस है जिसे कि हम एनरिच राइस भी कहते हैं? आंसर इसका ब्राउन राइस। क्वेश्चन नंबर 87, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए वह कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? तो आंसर इसका बोरोन। क्वेश्चन नंबर 88, हु स्टार्टेड द भूडन एंड ग्रामडेन मूवमेंट। भूडन एंड जो ग्रामडेन मूवमेंट था उसे किसने स्टार्ट किया था? आंसर इसका विनोद भावे ने स्टार्ट किया था भूडन एंड ग्रामडेन मूवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, नेम द क्रॉप विच हैज़ वराइटी जल लहरी। वह कौन सा टाइप का क्रॉप है जिसकी जो वराइटी है वो जल लहरी है? आंसर इसका पैडी।
क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज मिलेट इन एग्रीकल्चर कॉल्ड एज, एग्रीकल्चर में जो मिलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका स्मॉल सीडेड ग्रास है, जो स्मॉल सीडेड ग्रास होता है एग्रीकल्चर टर्म में उसको हम मिलेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं, वेयर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इज लोकेटेड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है वो कहाँ पर है? आंसर इसका न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं, सोयाबीन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, जो सोयाबीन है वो किस टाइप का क्रॉप है? तो आंसर इसका ऑयल सीड क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, नेम द कंट्री विच इंट्रोड्यूस फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, दुनिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी का राइस दिया था? आंसर इसका चाइना। क्वेश्चन नंबर 94, इन एग्रीकल्चर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, एग्रीकल्चर में जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? तो आंसर इसका जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है एग्रीकल्चर में गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 95, इन एग्रीकल्चर पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो पिंक रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका ओनियन से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर में पिंक रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 96, इन एग्रीकल्चर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, एग्रीकल्चर में जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है इंडिया में एग्रीकल्चर में सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 97, इन एग्रीकल्चर येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो येलो रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका ऑयल सीडेड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 98, इन एग्रीकल्चर राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो राउंड रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, ऑपरेशन फ्लड जो है एग्रीकल्चर में वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं, इन एग्रीकल्चर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 101, इन एग्रीकल्चर ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो ब्लैक रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका पेट्रोलियम प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 102, इन एग्रीकल्चर ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो ब्लू रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 103, इन एग्रीकल्चर ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो ब्राउन रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका लेदर एंड कोका प्रोडक्शन। क्वेश्चन 104, इन एग्रीकल्चर गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? आंसर इसका फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है एग्रीकल्चर में गोल्डन रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 105, इन एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो आंसर इसका फूड ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 106, इन एग्रीकल्चर रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो रेड रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर में रेड रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 107, इन एग्रीकल्चर सिल्वर प्रोडक्शन इज रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो सिल्वर रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर में सिल्वर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 108, इन एग्रीकल्चर व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, एग्रीकल्चर में जो व्हाइट रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो आंसर इसका मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर में व्हाइट रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 109, वेयर इज रबर बोर्ड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में जो रबर बोर्ड इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो आंसर इसका कोटायम, जो कोटायम है ये केरला स्टेट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका वर्गीस कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 111, हु इज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इंडिया में जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर इसका वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका विशाल तिवारी को फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका अरुण कृष्णन को।
क्वेश्चन 114 कर लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया। राइट आंसर है इसका दुर्गेश पटेल। जो दुर्गेश पटेल है इन्हें फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन 115 कर लेते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इंडिया। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इंडिया किन्हें कहा जाता है? आंसर इसका निरपाक टुटेज को। निरपाक टुटेज जो है उनको इंडिया में फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन 116 कर लेते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो कौन सा है? तो आंसर इसका एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 117 कर लेते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट डिपेंड्स ऑन। इंडिया का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है? आंसर इसका मानसून पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन 118 कर लेते हैं, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ कॉफी बोर्ड लोकेटेड। कॉफी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आंसर इसका बेंगलुरु में है। अपने जो बेंगलुरु है ये कर्नाटका राज्य में है। क्वेश्चन 119 कर लेते हैं, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड इज लोकेटेड। हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड है वो इंडिया में कहाँ पर है? आंसर इसका कोलकाता। अपने जो कोलकाता है ये वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन 120 कर लेते हैं, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ टोबैको बोर्ड इज लोकेटेड। हेडक्वार्टर जो है टोबैको बोर्ड का वो कहाँ पर है? आंसर इसका गुंतूर। और फिर जो गुंतूर है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन 122 कर लेते हैं, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ स्पाइसिस बोर्ड इज लोकेटेड। स्पाइसिस बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आंसर इसका कोची में है। और फिर जो कोची है ये केरला में है। क्वेश्चन 123 कर लेते हैं, इन एग्रीकल्चर ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। एग्रीकल्चर में जो ग्रे रेवोल्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आंसर इसका फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन 124 कर लेते हैं, व्हेन राबी क्रॉप इज सोन एंड हार्वेस्टेड। जो राबी क्रॉप है वो कब बोया जाता है, हर कब उसकी कटाई होती है? तो आंसर इसका अक्टूबर में फ्रेंड्स जो राबी क्रॉप्स हैं वो बोई जाती है, और जिसकी जो कटाई होती है फ्रेंड्स वो मार्च और अप्रैल में होती है। क्वेश्चन 125 कर लेते हैं, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 125 है, व्हेन खरीफ क्रॉप इज सोन एंड हार्वेस्टेड। जो खरीफ क्रॉप है वो कब बोई जाती है और कब उसकी कटाई होती है? तो आंसर इसका फ्रेंड्स जुलाई में जो खरीफ क्रॉप है वो बोई जाती है, और इसकी जो कटाई होती है फ्रेंड्स मार्च और अप्रैल में होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे या क्लियर हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 125 क्वेश्चंस करवा दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही 125 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन, और सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। राइट आंसर इज लैटिन। एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज। राइट आंसर इज एग्रीकल्चरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। राइट आंसर इज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। राइट आंसर इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। राइट आंसर इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। राइट आंसर इज 1966-67। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नोन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज सैम पिट्रोडा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डेट वर्ल्ड मिल्क डे इज अब्सॉर्ब्ड। राइट आंसर इज 1 जून। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज दुर्गेश पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड इज कॉइंड बाय होम। राइट आंसर इज विलियम एस गॉड फ्रॉम यूके। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इन इंडिया। राइट आंसर इज हिरलाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 12, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। राइट आंसर इज फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13, साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू। राइट आंसर इज मॉरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो विद राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर इज एग्रोफॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द गैस विच इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। राइट आंसर इज मिथेन CH4। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। राइट आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज नोन एज फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज सैम पिट्रोडा। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज अरुण कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज दुर्गेश पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सीविकल्चर। राइट आंसर इज आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सेरिकल्चर। राइट आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क फ्रॉम सिल्क फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। राइट आंसर इज पैडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। राइट आंसर इज झूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर
वाज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश. राइट आंसर इज पंतनगर. क्वेश्चन नंबर 26. गोल्डन राइस वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम विच रिच इन. राइट आंसर इज विटामिन ए. क्वेश्चन नंबर 27. हु रोड द बुक म्यूटेशन रिसर्च. राइट आंसर इज मुल्लर. क्वेश्चन नंबर 28. Which state is called greenery of India or India's bread basket? Right answer is Punjab. Question number 29. Blue revolution is related with production of. Right answer is fish. Question number 30. Where is Indian Agriculture Research Institute is located? Right answer is New Delhi. Question number 31. What type of agriculture is slash and burn agriculture? Right answer is Jhum cultivation. Question number 32. Round revolution is related to production of. Right answer is potato production. Question number 33. Name the technique that reduces the amount of water consumption in crop cultivation. Right answer is micro irrigation or drip irrigation. Question number 34. Angie Ranga Award is related to which field? Right answer is agriculture. Question number 35. What is CV culture? Right answer is growing and cultivation of trees or forest development. Question number 36. White revolution is related to. Right answer is milk or dairy production. Question number 37. Science related with vegetable culture is called. Right answer is oleariculture. Question number 38. Grey revolution is related to production of. Right answer is fertilizers. Question number 39. Name the branch of agriculture which is related to silk. Right answer is sericulture. Question number 40. What type of agriculture is slash and burn agriculture? Right answer is jhum cultivation. Question number 41. Which type of soil is useful for cotton cultivation? Right answer is black soil. Question number 42. What is the other famous name of jute? Right answer is golden fiber. Question number 43. Who is called as father of hybrid rice? Right answer is Yuan Long Ping. Question 44. Jal Lahri is a variety of which crop? Right answer is paddy. Question 45. Who is regarded as father of white revolution in India? Right answer is Varghese Kurien. Question 46. Which crop requires water logging for its cultivation? Right answer is rice. Question 47. Yellow revolution is related to production of. Right answer is oil seed. Question 48. Where is National Sugar Institute NSI is located? Right answer is Kanpur. Question 49. Who has first time seen the microorganism? Right answer is Louis Pasteur. Question number 50. Name the largest tea producing country in the world. Right answer is India. Question number 51. Supply of water through pipelines and tube wells to farm is called. Right answer is irrigation. Question number 52. Which is the third crop season in India except Rabi and Kharif? Right answer is Zaid. Question 53. Prabhat and short duration variety of which crop? Right answer is red gram. Question 54. Science of mulberry cultivation for silk production is related. Right answer is moriculture. Question 55. What is full form of APMC? Right answer is Agriculture Produce Market Committee. Question number 56. Silver fiber revolution is related to production of. Right answer is cotton. Question 57. Who is regarded as father of white revolution in India? Right answer is Varghese Kurien. Question number 58. Which cereal is known as queen of cereal? Right answer is maize. Question number 59. Which country is first in wheat production? Right answer is USA. Question number 60. Which instrument is used to measure moisture of soil? Right answer is tensiometer. Question number 61. Where is Indian Sugarcane Research Institute located? Right answer is Lucknow. Question number 62. How much percentage of nitrogen is present in urea? Right answer is 46%. Question 63. Which gas is used in artificial ripening of fruits? Right answer is ethylene calcium carbide. Question number 64. Ratna is a variety of which crop? Right answer is rice. Question number 65. What is crop rotation? Right answer is growing of different crops in the same area in sequential season. Question number 66. Silver revolution is related with production of. Right answer is egg. Question 67. Which crop grown mainly in mountain slopes? Right answer is tea. Question number 68. Name the crop which is also called as wonder crop. Right answer is soybean. Question number 69. Indira Gandhi Canal is related with which two states? Right answer is Punjab and Rajasthan. Question number 70. What is called family of mustard? Right answer is Cruciferia and Brassicea. Question 71. Where is Central Arizona Research Institute is located? Right answer is Jodhpur. Question 72. Who given the term harvest index? Right answer is Donald. Question 73. Which state is leading in production of groundnut? Right answer is Gujarat. Question 74. Which country is the origin place of potato? Right answer is Peru, South America. Question 75. Which country is used to measure the
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? राइट आंसर इज क्रेस्कोग्राफ. क्वेश्चन 76, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ? राइट आंसर इज ऑयल सीड. क्वेश्चन नंबर 77, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन? राइट आंसर इज फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 78, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया? राइट आंसर इज अरुण कृष्णन. क्वेश्चन 79, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल. क्वेश्चन नंबर 80, इन इंडिया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड? राइट आंसर इज 5 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 81, विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर? राइट आंसर इज पैटी सॉइल. क्वेश्चन नंबर 82, विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद सिल्क? राइट आंसर इज सेरिकल्चर. क्वेश्चन नंबर 83, इफ सॉइल हैविंग पीएच 6.0 देन इट्स नेचर इज? राइट आंसर इज एसिडिक. क्वेश्चन नंबर 84, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल. क्वेश्चन नंबर 85, What is the main benefit of crop rotation? Right answer is eliminate parasite which have selective host. Question number 86, which type of rice is also known as enriched rice? Right answer is brown rice. Question number 87, which micronutrient is most essential for plant growth? Right answer is boron. Question 88, who started the Bhutan and Gramden movements? Right answer is Vinod Bhave. Question number 89, name the crop which has variety Jal Lahri? Right answer is paddy. Question number 90, what is millet in agriculture called as? Right answer is small seeded grasses. Question 91, where is Indian Council of Agriculture Research ICAR is located? Right answer is New Delhi. Question number 92, soybean is which type of crop? Right answer is oilseed crop. Question number 93, name the country which introduced first hybrid variety of rice? Right answer is China. Question number 94, in agriculture golden fiber revolution is related to? Right answer is jute production. Question number 95, in agriculture pink revolution is related to production of? Right answer is onion. Question number 96, in agriculture silver fiber revolution is related to? Right answer is cotton production. Question number 97, in agriculture yellow revolution is related to production of? Right answer is oil seed production. Question number 98, in agriculture round revolution is related to production of? Right answer is potato. Question number 99, operation flood is related to production of? Right answer is milk and dairy production. Question number 100, in agriculture evergreen revolution is related to production of? Right answer is overall development of agriculture. Question number 101, in agriculture black revolution is related to production of? Right answer is petroleum production. Question number 102, in agriculture blue revolution is related to production of? Right answer is fish production. Question number 103, in agriculture brown revolution is related to production of? Right answer is leather and coca production. Question number 104, in agriculture golden revolution is related to production of? Right answer is fruits, horticulture, honey production. Question number 105, in agriculture green revolution is related to production of? Right answer is food grains. Question number 106, in agriculture red revolution is related to production of? Right answer is meat and tomato production. Question 107, in agriculture silver revolution is related to production of? Right answer is egg and poultry production. Question 108, in agriculture white revolution is related to production of? Right answer is milk and dairy production. Question number 109, where is Rubber Board Institute is located in India? India mein jo Rubber Board Institute hai wo kahan par hai? Answer iska Kottayam, Kerala. Question 110, who is known as father of white revolution in India? Right answer is Verghese Kurien. Question number 111, who is known as milkman of India? Right answer is Verghese Kurien. Question number 112, who is known as father of red revolution in India? Right answer is Vishal Tiwari. Question number 113, who is known as father of blue revolution in India? Right answer is Arun Krishnan. Question number 114, who is known as father of pink revolution in India? Right answer is Durgesh Patel. Question number 115, who is known as father of golden revolution in India? Right answer is Nirbhak Tutees. Question number 116, what is the most important part of Indian economy? Right answer is agriculture. Question number 117, Indian agriculture output depends on? Right answer is monsoon. 60% area sown depend on rainfall. Question number 118, where is headquarter of coffee board located? Right answer is Bangalore, Karnataka. Question 119, where is headquarter of tea board is located? Right answer is Kolkata, West Bengal. Question 121, where is headquarter of tobacco board is located? Right answer is Guntur, Andhra Pradesh. Question 120, where is headquarter of spices board is located? Right answer is Kochi, Kerala. Question 123, in agriculture grey revolution is related to production of? Right answer is fertilizer. Question 124, when rabi crop is sown and harvested? Right answer is sown in October, harvested in March and April. Question 125, when kharif crop is sown and harvested? Right answer is sown in July and harvested in March or April. फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 125 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही 125 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया,
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 125 क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद दो क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया फ्रेंड्स वो रिवाइज भी हो जाएगा। पहला है स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आप ले लो एग्रीकल्चरल साइंस, सेकेंड ऑप्शन आप ले लो पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको एम एस स्वामीनाथन, सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ नॉर्मन बोरलॉग। फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फ्रेंड्स वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है फ्रेंड्स उसके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो मतलब दिल्ली जाके कोचिंग नहीं कर सकता उसके साथ भी अपने इस चैनल के लिंक को आप शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।